लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर, दर्द की अपनी मैंने नुमाइश ना की। जब जहां जो मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी ख्वाहिश ना की। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी तो जिंदगी है। पैर का मोच छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। टूटी कलम और औरों से जलन हमें खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान नहीं बनने देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान नहीं बनने देता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी सोच रखना चाहिए। देखो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो इंसान रिश्ता तोड़े वो गलत ही हो। जिस तरह से रबर को खींचा जाता है उसकी भी एक लिमिट होती है, वो टूट जाती है। उसी तरीके से इंसान की सहन शक्ति होती है, उसी तरीके से इंसान की सहन शक्ति होती है। अगर वो शक्ति टूट गई ना, इंसान कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करता हो, रिश्ता टूट ही जाता है। अगर कोई हंसता बहुत है तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में दुख दर्द परेशानियां चलती रहती है, जिसका वह परवाह नहीं करता और हंसता रहता है। दोस्तों, तो ना कभी किसी को मानने की कोशिश मत करना, क्योंकि रिश्ते पंछी की तरह होते हैं। जोर से पकड़ो तो मर सकते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ सकते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ो तो जिंदगी भर साथ रह सकते हैं। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। हाँ, इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रख और इस काम को करने के लिए दृढ़ रख। कभी संघर्ष को इसे पढ़कर देखिए, संघ प्लस हर्ष, बस फिर दुनिया बदल जाएगी। नफरत करने वाले भी गजब का प्यार करते हैं, मुझसे जब भी मिलते हैं कहते हैं तुझे छोड़ेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो मदद करो, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। माना कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। इंसान को अलार्म नहीं, जिम्मेदारियां उठाती है। किसी ने किसी से पूछा, कैसे हो? उसने हंस कर कहा, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। आज कुछ ऐसा करें कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सके। जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पर खुदा का नाम आए। वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। ये जो तुम मेरा हाल चाल पूछते हो, बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछते हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, सुकून अपने आप मिलेगा। खास में वो लोग इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। पत्थर तो बहुत मारे थे लोगों ने मुझे, लेकिन दिल पर आके वो लगे जो मेरे अपनों ने मारे थे। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। तो इसलिए गुस्सा को छोड़िए, सब्र को अपनाइए। अगर कुछ आसान नहीं है तो कुछ नामुमकिन भी नहीं है। जब आपको स्वयं पर विश्वास करना आ गया, समझ लो आपको जीतना भी आ गया, क्योंकि खुद से बड़ी शक्ति कोई नहीं। इसलिए खुद को पहचाना। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, हाँ माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे
कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। दुनिया का बोझ जरा दिल से उतार दो, छोटी सी जिंदगी है, हंस कर गुजार दो। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की, महंगे कपड़े तो पुतले भी पहना करते हैं दुकानों में। बार बार असफल होने पर धैर्य न खोना ही सफलता है। कभी कभी धागे बड़े कमजोर चुन लेते हैं हम, और पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। रिश्ते जब मजबूत होते हैं, बिना बोले महसूस होते हैं। बदलते तो इंसान है, वक्त तो एक बहाना है। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाए तो कोई बात नहीं। इसलिए आप दरिया बनकर किसी को डुबोइए मत, जरिया बनिए किसी को आगे बढ़ाने के लिए। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़ा कामयाब तो हो, दुश्मन तो खैरात में मिल जाएंगे। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, सिकुए कितने भी हो, हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक बार ही मिलती है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। मैंने इतना ही जाना है जिंदगी में, सुख में सारा जमाना अपना है और तकलीफ में कोई साथ नहीं देता। ये पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। उपवास करें खाने का नहीं, गंदी सोच का, गंदी नियत का और गंदे विचारों का उपवास करें। कुछ रिश्ते की राय होते हैं, जितना भी मर्जी दिल से सजा लो, कभी अपने नहीं बनते। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता है। सहने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द में है, दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दूसरों को आंसुआ का तोहफा मत देना। दिल से रोए कोई जिंदगी भर, ऐसा किसी को मौका मत देना। बुरा वक्त रुलाता है, मगर बहुत कुछ सिखा जाता है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं, तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। पता नहीं किस मजाक की बनी है ना हमारे समाज के मर्द, जब दूसरों की बहन बेटी को खुद छेड़े तो कटती नहीं, और खुद की बहन बेटी को कोई छेड़ दे तो कट जाती है। स्वयं को कभी कमजोर साबित ना होने दें, क्योंकि डूबते देखकर लोग घर के दरवाजे बंद करने लगते हैं। घर में स्त्री सबका मन रखती, लेकिन सब भूल जाते हैं कि स्त्री भी एक मन रखती है। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि बड़े होते ही जिंदगी मजेदार हो जाएगी। दुनिया में सबसे महंगा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो, तो उसे जिंदगी के वो पल देते हो जो कभी लौट कर वापस नहीं आते। दाम ऊंचे हो सकते हैं ख्वाहिशों के, मगर खुशियां हरगिज महंगी नहीं होती। रहने की बेहतरीन जगहों में से एक जगह अपनी औकात भी है। एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो सुबह उठकर आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे तने वाले पेड़ भी सबसे पहले काटे जाते हैं। बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है, तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है। अतः स्वस्थ रहते ही आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या होगा, केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा।